नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पर्वतीय लोक विकास समिति और हिम उत्तरायणी पत्रिका की ओर से पूर्वी दिल्ली स्थित दिल्ली पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के सभागार में स्वाधीनता सेनानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर एक विचार गोष्ठी और नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि शीर्ष शिक्षाविद और कुमाऊ विश्वविद्यालय एवं गढ़पाल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर बलवंत सिंह राजपूत ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व अजात शत्रु नेता का रहा है। महाभारत के युधिष्ठिर की तरह अटल बिहारी वाजपेयी की इमेज भारतीय राजनीति में अजात शत्रु व्यक्ति की है। अटल बिहारी वाजपेयी को पार्टी से बाहर के लोग भी उतना ही सम्मान और प्रेम देते थे जितना उनकी पार्टी के। नेहरू जी ने रूस के राजनीतिक प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को विपक्ष के प्रतिभावान नौजवान नेता का परिचय कराते हुए कहा था कि भारत के भावी प्रधानमंत्री से मिलिए। इंदिरा गांधी अटल जी को अपनी पार्टी के नेताओं से अधिक महत्व और सम्मान देती थी। अटल बिहारी वाजपेयी लोकप्रिय राजनेता सिद्ध हुए वो अलग बात है, लेकिन वास्तव में वो राष्ट्र सेवा के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे। वे दिल से कभी राजनीति से नहीं जुड़े और इस बात को वे जीवन के अंत तक और राजनीति के चरमोत्कर्ष पर पहुंचने तक भी सार्वजनिक करते रहे कि मुझे राजनीति बिल्कुल रास नहीं आती। वास्तव में अटल जी एक बौद्धिक योद्धा थे, एक जिम्मेदार पत्रकार, मुखर वक्ता और संवेदनशील उदार हृदय कवि। इस अवसर पर वक्ताओं ने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। देहरादून से हमारे संवाददाता बीनी राम उनियाल की रिपोर्ट। अटल बिहारी जी की जनता की विचार गोष्ठी, इसके साथ ही जो हमें उत्तराखंड मिला था उसमें एक नाम हो रहे, वो नाम है स्वर्गीय श्री इंद्रमणि बनाना था, तो मैं आज उनको भी याद करता हूँ। उनको विचार मैंने आपके सामने रखा हूँ गढ़वाली में, कि माँ की जो मैं उत्तराखंड में उत्तरांचल में नहीं और माँ मेरी पहाड़ी नेता की थे पर मेरे नेता हमेशा तैयार कर दी, हमेशा तैयार कर दी। माँ की जो मैं उत्तराखंड में उत्तरांचल में नहीं, मेरी माँ पहाड़ी नेता की थे पर मेरे नेता हमेशा तैयार कर दी। धै लगा पहाड़ बढ़ने की तो कब चल गए, पहाड़ तब भी होते दी गए, इतना साल भी दी गए पर रोजगार आज भी नहीं मिली। मेरी माँ पहाड़ी नेता की थे पर मेरे नेता हमेशा तैयार कर दी गई, मेरे नेता हमेशा तैयार कर दी। जन्मभूमि अघोड़ी मां तुमसे फिर अवतार नहीं पड़ दो, जन्मभूमि अघोड़ी मां तुम फिर से अवतार नहीं पड़ दो, एक कर्म भूमि का खातिर फिर से बलिदान नहीं पड़ दो, भोज खोजना का बाद भी कोई तुम जन्म नहीं मिले। मेरी मांग तो पार्टी नेता की थे पर मेरे नेता हमेशा तैयार नहीं थी, मेरे नेता हमेशा तैयार नहीं थी। इडानी का की छोया पनेरा बलोनी जी तुम ते थे रवाना चल, इडानी का की छोया पनेरा बलोनी जी तुम ते थे रवाना चल, ये देव भूमि माँ ये नेता लोग डायन रवाना चल, उठाई आवाज माँ भैरव तुम तुम लाठी मिले। मेरी मांग तो पार्टी नेता की थे पर मेरे नेता हमेशा तैयार नहीं थी। जोर पहाड़ देखी कभी तो पहाड़ की मिट्टी बनवाना चला, जोर पहाड़ यदि कभी पहाड़ की मिट्टी बनवाना छन, फोकयो का हौद जो कि जो लोग कृषि की विधि बतवाना छन, बांजा पड़िया फोकयो में आज भी पानी नहीं मिले। मेरी मांग तो पार्टी नेता की थे पर मेरे नेता हमेशा तैयार रह गई, मेरे नेता हमेशा तैयार रह गई। मांग की थोड़े ने उठाया था जब मैं जान चल गई, मेरी मांग तो पहाड़ी नेता की थे पर मेरे नेता तैयार रह गई। लेकिन मुश्किल से 182 करोड़ रुपए ला पाए थे। अटल जी पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने कहा कि हम 5,000 करोड़ रुपए के करीब डिस इन्वेस्टमेंट करके लाएंगे, उनकी सरकार में 7,000 करोड़ रुपए आए थे। और कहां 5,000 कहां 7,000 कहां 7,000 की भूमिका, तो अटल जी का जो उन्होंने उसी टाइम एक अलग से मंत्रालय बनाया था अरुण सोरी जिस टाइम होते थे मंत्री, जो डिस इन्वेस्टमेंट बोर्ड करके डिस इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री भी करके बनाई थी, तो अटल जी की जो सोच थी हम आज भी कह रहे हैं, आज भी माननीय मोदी जी की सरकार में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर ले देखें तो वो वहीं से स्टार्ट हुई, उन्हीं परंपराओं से चल रही है। और सरकार का ये माना जाता है कि सरकार जो है इसलिए होती है कि सरकार चलाए न कि बिजनेस करे। जो आज की डेट में हम लोगों को लगातार इल्जाम सहना पड़ता है, सब लोग कहते हैं कि बेच रहे, सरकारें इसलिए नहीं होती हैं कि व्यवसाय करें, सरकारें इसलिए होती हैं समाज का उत्थान करें, दूसरे चीजों पे ध्यान दें, सरकारें सत्ता चलाएं, सत्ता में क्या क्या चीजें लॉ ऑर्डर मेंटेन करें, सीमा की सुरक्षा करें, उनमें हमारी सरकारें लगातार सक्षम है और पहले भी अटल जी। और जहां तक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का बात करें
ये वही गढ़वाली थे, कीर्तन गढ़वाली थे जिनसे अंग्रेजों तक ने लोहा माना और हमें अपने आप में भी गर्व होता है कि हम भी लोग गढ़वाली अपने आप को कहते हैं। वैसे आज की डेट में हम कहते हैं हमको हिंदी है, लेकिन गढ़वाली के साथ अगर जुड़ने में हमके साथ हमें भी बड़ा गर्व सा होता है। हम लोग लंबी चौड़ी बातें करेंगे, शिवराज जी ने काफी बताई थी गढ़वाली के बारे में, अभी मैंने बाकी लोग भी बताएंगे और अटल जी की बात भी हम लोग करेंगे तो अटल जी के बारे में भी हमसे ज्यादा मुझे लगता है कि आप लोग ज्यादा जानते होंगे, लेकिन अटल जी कैसे नेता रहे हैं जिनके बारे में कुछ भी हम लोग कहें कम है, और ऐसे नेता थे जिनके लिए दूसरी पार्टी के लोग भी भेद बदल के जिनका भाषण सुनने के लिए आते थे। आज की डेट में आप ऐसे नेता कम पाएंगे जिनका भाषण सुनने, जिनकी विचार सुनने, और एक ऐसा नेता भी कम पाएंगे जो कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद कांग्रेस ने जिसपे कहा कि राष्ट्रीय हमारे हमें जो रिप्रेजेंट करेगा यूएनओ में कौन करेगा, अटल जी रिप्रेजेंट करेंगे। इतना बड़ा जिसका वो हो जो सत्ता में रहने वाली पार्टी जो विपक्ष की पार्टी है, अटल जी के मुकाबला कोई राष्ट्रीयता से नहीं कर सकता। अटल जी का मुकाबला हम लोगों को गर्व होता है, हम उस पार्टी में हैं जिस पार्टी के अटल जी रहे और जिनके विचारों की, जिनके वास्तविक काम करने की, जो हम सड़कें भी आज की डेट में देखते हैं अटल जी की योजना की, नदियों को जोड़ने की योजना भी धीरे धीरे आएगी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।